हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की। क्या मैं इस टाइम पे अपना खुशी का, विपिन का भी एक एक दो दो पराठा बनाकर रख दूँगी, फिर हम लोग भी खा लेंगे। क्योंकि आजकल जो मेरा रूटीन है वो टोटली चेंज हो चुका है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बिल्कुल चेंज हो गया है। बच्चों के लिए सुबह जो है 5:30 बजे 4:45 तक उठना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि हम क्या बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। जैसे भिंडी बनानी थी, रात को काट के रख दी थी, तो ये नहीं था कि 5:30 बजे उठना पड़ेगा, फिर भिंडी काटूंगी ये वो, तो फिर आराम से मैंने छोंक दी थी उठ करके। और फिर उसके बाद पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। पराठे इस टाइम में सभी के, जैसे मैंने बताया, बना दूंगी बच्चों के साथ साथ, और कोशिश करती हूँ कि ये लोग भी पराठा खा जाएं। बड़ी मुश्किल से खाते हैं दोनों आधा आधा पराठा। आज सुबह इस चक्कर में इनकी डांट भी पिटी थी, पर फिर ये है कि खा लिया। मैं बोल तो इनकी भलाई के लिए ही रही हूँ, भाई वहाँ जाओगे फिर तुम्हें भूख लग ही जाएगी प्रेयर टाइम पे या उसके बाद फर्स्ट पीरियड में, इससे बेहतर है खा कर जाओ। तो उनके पापा ने डांटा तो उन्होंने खाया, उसके बाद उनको छोड़ कर आए। फिर इस बीच जो है मैं थोड़ा वीडियो का काम किया, और फिर जो है चाय पी रहे हैं अभी हम लोग, और साथ में जो है बातें भी चल रही हैं। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं लग गई थी कि भाई बनेगा क्या। वैसे मुझे पता था क्योंकि कल राजमा भिगो दिया था रात में, तो उसी के लिए मैं लहसुन छील रही हूँ। और लहसुन मैं इस टाइम छिलके नीचे ही डाल रही हूँ क्योंकि नेहा आ चुकी है और वो झाड़ू शुरू करने वाली है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो प्लेट नहीं लेती हूँ, अगर झाड़ू लगने वाली होती है तो फिर मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। हालाँकि बहुत बदतमीजी वाली चीज़ है ये, छिलके उड़ेंगे, पर मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि बोर हो रहे हैं हम वीडियो से, ये वो, दो तीन कमेंट्स थे, लाइक आए हुए थे उस कमेंट को। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बोर तो होंगे ही डेली, 6 सालों से आप मेरे को देख रहे हो, सेम चीज़ देख रहे हो, सेम घर देख रहे हो, सेम रश्मि को देख रहे हो, सेम बच्चे, सेम सब्जी, सेम रूटीन, सब कुछ पता चल चुका है आप लोगों को मेरी लाइफ के बारे में, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो चेंज तो देखो कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ वही रहने वाला है, अभी नहीं आगे की लाइफ में भी। सिर्फ चेंज क्या होगा, जैसे हमारी उम्र बढ़ती हुई देखेंगे आप, है ना, जैसे पहले कुछ और लगते थे अभी कुछ और लगते हैं, फिर बच्चे जैसे पहले कुछ और लगते थे अभी कुछ और लगते हैं, या फिर जो लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है वो देखेंगे आप। घर भी यही देखेंगे, घर अगर चेंज हुआ, जैसे मान लीजिए डिज़ाइन चेंज होता है घर की, दीवारें चेंज होती है, कलर चेंज होता है, वो देखेंगे। बाकी जो मैं हूँ, जो मेरा स्टाइल है, जो मेरी चीज़ें हैं, वो तो वही रहने वाली हैं। वो तो तभी चेंज होगी जब घर में बहू आएगी, वो अपने अकॉर्डिंग करेगी, तो वो तो आपको मुझे देखना ही पड़ेगा। जैसे भी है, जो भी है, जो लोग इंटरेस्टिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप बोर हो रहे हो तो आपको देखना ही है। क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप बोर हो रहे हो तो चलो कल से मैं कंटेंट चेंज करूँगी, कुछ न्यू करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं कहीं घूमने भी जाऊँगी तो मैं एक आध दिन के लिए जा सकती हूँ, और वीडियो बनाने के लिए घूमने जाना मैं नहीं कर सकती। जब वो हमारा प्लान होगा तभी हम जाएंगे, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और इस साल मेरा बजट भी नहीं था, वरना मैं बच्चों को कहीं लेकर जाती। तो शायद सर्दियों की छुट्टी में हम जाएंगे, तब देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी राजमा, जिसके लिए मैंने मसाला वगैरह कर लिया था, लहसुन प्याज वगैरह, चोपर, और चोपर मेरा वो वाला भी खराब, इस बार पता नहीं चोपर में पिछले एक साल से क्या हुआ है। तो मैंने जो मेरा इलेक्ट्रिक चोपर था, जो मैंने होम शॉप 18 से मंगाया था, वो मैंने यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल, तो काफ़ी बड़ा है बस ये इस वजह से। पर अब मुझे इसके बड़े से भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं चोपर मंगा के ना थक चुकी हूँ, तो अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है चोपर मंगाने की। और अगर मैं इलेक्ट्रिक चोपर मंगाऊँ तो ये तो मेरे पास है ही, फिर मैं मंगाऊँ ही क्यों जब तक ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज वगैरह, लहसुन जो भी था, हरी मिर्च वगैरह, वो इसमें डाल दी है। अदरक मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ आजकल, लहसुन अदरक इस टाइम पे मैं जितना कम यूज़ कर सकती हूँ उतना कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गर्म होते हैं तो ठीक नहीं है। गरम मसाला भी किसी किसी चीज़ में डालती हूँ, हर एक में नहीं डालती हूँ। तो सुबह भिंडी बनी थी और अभी राजमा चावल बना रही हूँ, जल्दी बना रही हूँ, मतलब 10 बजे के करीब बनाने लग गई थी, 9 बजे चढ़ा दिए थे राजमा, क्योंकि मुझे ये था कि मैं शॉप पे जाऊँगी तो फिर बना करके जाती हूँ, फिर टेंशन नहीं रहती है बच्चे आकर क्या खाएंगे क्या नहीं, और मैं भी अपना, क्योंकि खुशी मेरे साथ जाएगी तो अपना और खुशी का दोनों का मैं लेकर जाऊँगी शॉप पर, हम दोनों वहीं खा लेंगे। क्योंकि अभी इस टाइम मन नहीं था खाकर जाने का 11 बजे। तो ये जो है मेरा मसाला रेडी हो गया था, प्याज के साथ मसाले डाल दिए थे, भून लिए थे, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, और टमाटर डालने के बाद मैं इसको पका लूँगी अच्छे से, जब तक कि कढ़ाई से मसाला अलग नहीं हो, मतलब छूटता नहीं है, क्योंकि तेल तेल सा होता है ना, फिर वो कढ़ाई पे चिपकता नहीं है, तो भून चुका होता है उस स्टेज पे मसाला। तो तब तक मैं इसको भूनूंगी 5 मिनट 7 मिनट जितना भी लगेगा।
तो यहाँ पे देखो मेरा मसाला काफ़ी भुन चुका है, मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी थी। तो बस अब मैं क्या करूँगी, इसमें राजमा डालूँगी। राजमा उबाल लिए थे पहले ही आराम से, फिर मेरे को वरना हबड़ दबड़ हो जाती है अगर मैं इस टाइम पे उबालती, इस टाइम पे सब करती। तो बस नेहा ने जब किचन का काम ख़त्म किया था तभी मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मुझे ये राजमा ना थोड़े गाढ़े लग रहे हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाढ़े गाढ़े राजमा मेरे को तो नहीं पसंद, बच्चों को मेरे को तो राजमा छोले चने ये पसंद ही बहुत कम है। अगर मुझे ये पसंद भी है ना तो मैं इनमें तरी ज़्यादा करती हूँ ताकि मैं ग्रेवी ग्रेवी सी ले लूँ, तरी तरी ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा ऐड किया था उसमें और उसके बाद उसको पकाने रखा था थोड़ी देर, गर्म पानी डाला था मैंने बॉईल करके। उसके बाद कुकर धोया, उसी में मैं जो है अभी चावल छौंक रही हूँ। कुकर मैंने बस जस्ट धो लिया था ऊपर से ही, उसी में मैंने छौंकने के लिए रख दिया था चावल। जीरा डाला है, आज मेरा मन कर रहा था मैं जीरा डालूँ तो जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया था उसमें। और बस चावल को चला दूँगी और इसको बंद करके रख दूँगी, एक सीटी आएगी चावल रेडी हो जाएंगे बस फ्री। खीरा वगैरह था नहीं, जो खीरा वगैरह कट करते मेरा मन हो रहा था जबकि खीरे का, पर था नहीं फ्रिज में आज, तो मैंने कहा चलो छोड़ो। और हाँ रायता भी बनाया था मैंने क्योंकि मेरे को रायता चाहिए। मेरे को दही कटोरी में लेकर खाने इतनी पसंद नहीं है जितना मुझे खीरे का रायता या फिर बूंदी का रायता या घीए का रायता, किसी का भी रायता हो वो ज़्यादा पसंद है। और बाहर देखो बारिश हो रखी है और बहुत सारे लोगों के यहाँ ये बारिश हो रही है और बहुत सारे लोगों के यहाँ ये बारिश नहीं हो रही है। अभी तो हम लोगों के यहाँ भी ऐसा नहीं है कि डेली हो रही है, दो चार दिन बाद करके हो रही है, घटा हो जाती है डेली। तो बारिश आज हो गई थी, काफ़ी अच्छी बारिश हो गई थी। हाँ टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क आ रहा है डेली जब से पहली बारिश हुई है तब से। अब देखते हैं बरसात कब से लगेगी, मतलब जो होता है ना कि 2-3 दिन लगातार बारिश और देख देख के थक गए, फिर हम दुआ करते हैं भगवान बारिश बंद कर दे, चिक चिक पिक पिक हो गया। अभी तो ऐसे वाली है कि अभी हो रही है 2 घंटे बाद बंद हो जाएगी, तो वो वाली बारिश चलती है। तो बारिश हो रही है लेकिन जो है शॉप पे तो जाना है, विपिन आ गए थे कि मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो रही थी और आज मैंने अपनी ये वाली कुर्ती पहनी है, काफ़ी कंफर्टेबल है तो मैंने कहा आज मैं ये पहनती हूँ। पिछले कई दिन से ना मैं डार्क कलर पहन रही हूँ, तो डार्क कलर पहन के मेरा फिर मन होता है अब मैं कुछ लाइट कलर वेयर करूँ, तो इसीलिए आज मैंने अपनी ये वाली कुर्ती पहन ली है। और उसके साथ साथ हल्का सा मेकअप कर लेंगे, फेस पाउडर वगैरह, बिंदी, लिपस्टिक, जो सुहागन का रहता है बिंदी सिंदूर वगैरह वो तो करना ही होता है वो। और मेरे बाल मेरे को बड़े अच्छे लग रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं मेरे बाल, मैं हल्के हल्के से नीचे से ना फुंगल फुंगल से हो रहे थे वो कटवा के आ गई हूँ। फिर अच्छे से ग्रोथ होती है बालों की जब नीचे से उनको तुम कटवा लो। मैं ऐसा करती हूँ 6 महीने में जब भी पार्लर जाती हूँ, और इस तरह का जैसे आज गई थी, पिछली बार जब मेरी स्मूथनिंग हुई थी तब मैंने नहीं कराया था, तो अभी मैंने हल्के हल्के से कटवा लिए थे। और अभी मुझे कलर के लिए जाना है फ्रंट हेयर का, मैंने आपको बताया था ना कि कलर होगा टचअप होगा तो वो कराना है। अब देखती हूँ संडे में कराती हूँ या किस दिन कराती हूँ, जब टाइम लगेगा जब कराऊँगी। तो अभी चलेंगे शॉप पे रेडी होके। तो शॉप पे आ गई थी, उसके बाद किया था लाइव, माल आया था उसको निकाला था और अभी जो है बस पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं मैंने, 1 सवा 1 का टाइम है थोड़ा सा, तो अभी टेबल पे पड़ा है। अभी मैंने साइजेस वगैरह देख के स्टेटस पे डाले, अब मैं अपना खाना लेने जा रही हूँ ऊपर और खाना खाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए प्लेट लगा रही हूँ, अपने लिए और खुशी के लिए, क्योंकि हम दोनों का ही लेकर आई थी, उन लोगों का मैं रख कर आई थी बाहर ही, क्योंकि जिस टाइम मैं आई उस टाइम खाना पूरा गर्म था, फ्रिज में रखने लायक था नहीं, तो मैं डाइनिंग टेबल पे रख के आ गई थी, मतलब बाउल्स वगैरह में खाली करके, और उसके ऊपर कुछ वेटेड चीज़ रख दी थी। वैसे हमारे घर में चूहे नहीं हैं तो फिर भी मेरे को था कहीं भाई आज ही ना आ जाए, फिर वो प्लेट उठाने की कोशिश ना करे। तो मैं क्या करती हूँ जब भी मुझे ऐसे डाउट होता है, रात में कोई चीज़ रख रही हूँ या फिर डाइनिंग टेबल पे रख रही हूँ, तो मैं उसको कुछ ऐसा भारी सामान रख देती हूँ जिससे कोई उठा ना पाए उसको, मतलब चूहे का ही डर है, बिल्ली तो नहीं घुस पाएगी, चैनल बंद हो जाता है, फिर जाली का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो बस वो लोग खाएंगे और फिर विपिन जाएंगे तो बच्चों के साथ उनको खिला देंगे और फ्रिज में भी रख देंगे वो सामान। और बस यहाँ पे मैं प्लेट लगा लूँगी अपनी, पे मैं याद करी थी यार प्याज भी ले आते काट के, क्योंकि राजमा हो, छोले हो, कढ़ी हो या चने हो, इनके साथ ना जैसे प्याज काट लो, नींबू डाल लो उसमें, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं अपना बाउल में ले आई थी, खुशी का मैं प्लेट में दे आई थी, और साथ ही साथ जो हमने अपनी रायता बनाया था जो मैं आपको बता रही थी, तो वो मैंने इस बॉटल में डाल लिया था, आधा खुशी को दे दिया है, आधा मैंने ले लिया है। थोड़ा नमक तेज़ हो गया था इसमें क्योंकि मैं रोज़ के अकॉर्डिंग रायता बना रही थी,
और हुआ क्या कि दही थी कम और एकदम से नमक डल गया। मैं तभी हो गई थी कि आज नमक तेज़ है और हो भी गया था। फिर शॉप पे आने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि नमक तेज़ ना ज़रा सा भी नहीं खाया जाता, बहुत ही इतना भी नहीं था, चल जाता लेकिन नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे बस मैं बात कर रही हूँ, विधि भी अपना लंच कर रही है, मैं भी अपना लंच कर रही हूँ, तो बस यहाँ पे मैं उसी से बात कर रही थी और साथ में अपने राजमा चावल खा रही हूँ। यहाँ पे आके ना खाना थोड़ा अच्छा सा लगता है, पता नहीं क्यों खाना और टेस्टी लगता है, चाहे कुछ भी हो। आज तो क्या राजमा चावल हैं, पर जैसे कुछ और भी होता है, रोटी सब्जी होता है या कुछ भी हम खा रहे होते हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत मज़ा आता है, तो यहाँ पे टेस्टी लगता है मेरे को खाना। आपको भी लगता है अपने वर्क प्लेस पे जाके खाना खाना टेस्टी, मतलब टेस्टी लगता है ना, मेरे को बताना, अलग जगह पे खाना खाओ। तो बस अभी जो है खाना खाएंगे और उसके बाद फिर से अपने काम पे लग जाएंगे, क्योंकि मेरा जो ऑर्डर टाइम था, लाइव किया था मैंने, लाइव ख़त्म करने के बाद मैंने ऑर्डर टाइम 2 बजे का डाला था, तो उस बीच फ़ोटोज़ वगैरह जैसे लगानी व्हाट्सअप पे, किसी की रह गई तो वो देखनी, साइजेस वगैरह मेंशन करने स्टेटस पे, तो उसके बाद फिर मैं खाना लेके बैठी थी, थोड़ा सा फ़ोन देख लूँगी, अपने काम देख लूँगी और फिर जो है 2 बजे ऑर्डर शुरू कर लेंगे। टाइम हो चुका है 7:30 का, 7:40 का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं, विपिन आ चुके हैं, विपिन करेंगे अब एड्रेस। तो आज मैं फ़ोन छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि एड्रेस का स्क्रीनशॉट निकाल के विपिन को सेंड कर दिया है, कोरियर वहाँ रखे हैं और इन पे लिखे जा रहे हैं एड्रेस। एड्रेस लिख के उधर की साइड जाएंगे, कुछ इधर की साइड होंगे, कुछ विपिन ने नीचे अपनी साइड डाल दिए होंगे, इस तरीके से। तो चलो चलो बालको, चार्जर रख लिए और ये देखो विपिन लेकर आए हैं आज मेरे लिए गिफ्ट, लक्ष्मी ज्वेलर्स से। ये मेरे लिए, अरे मेरे लिए इतनी अच्छी चीज लाया, लेकर आए हैं मेरे लिए कुछ गिफ्ट। क्या लेकर आए हैं कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो चलो आ जाने दो, उनको विपिन के साथ थोड़ा कंपनी हो जाएगी ना, बोर नहीं होता बंदा। चलो अरे आप गिफ्ट तो दिखाओ, गिफ्ट में दिखाऊंगी गाइज, ये गिफ्ट अभी नहीं दिखा रही है, इन्होंने प्रैंक नहीं किया है, मैंने बोला आपकी नेक्स्ट डे है कल, बस हम मैं वहाँ से आई ना, मैंने पूरा व्लॉग ही नहीं बनाया, मतलब ना रस्ते में बनाया ना घर आके बनाया, कुछ भी नहीं। एक तो थक गए थे, थक ही जाते हैं यार, कोई भी हो थक जाता है। तो फिर बस अब जो है अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने उस व्लॉग को, कंटिन्यू क्या कर रही हूँ, एंड करूँगी मैं इस व्लॉग का। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे पता है बोर हो रहे हो, वैसे तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग मेरे लिए जिन्होंने बोर हो रहे हूँ लिखा है उनका भी वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग उस कमेंट के नीचे मेरे लिए आए कि नहीं बोर हो रहे हो तो मत देखो, हम तो बोर नहीं हो रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे लोगों ने, 7-8 लोगों ने या 10-12 लोगों ने मैसेज किया है मेरे लिए, तो अच्छा लगा। लेकिन मैं भी जानती हूँ उस चीज़ को यार, तुम आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो एक चीज़ को देख देख के हो जाते हैं, जो व्यूज़ इतना डाउन गया वो इसीलिए गया है, और ये मेरा नहीं, यूट्यूब पे ये चलता है, सभी के साथ होता है, और कोई भी चीज़ है वो उठती है तो नीचे भी आती है। हम अब जैसे हमारी उम्र है वो बढ़ रही है, हम एक से नहीं रहेंगे, तो कोई भी चीज़ एक सी नहीं रहती है, बदलाव तो ज़िंदगी है ही, ऊपर नीचे चलता रहता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है तो इसलिए मैं बनाती हूँ। व्यूज़ का या फिर अर्निंग का इससे मुझे उतना नहीं है, है लेकिन उतना नहीं है कि मैं पागल हो रही हूँ। मैं शॉप का भी कर रही हूँ, मैं डेली व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, व्लॉग बनता है तो चला जाता है, कई बार तो व्लॉग बन गया लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, जैसे आज भी ना ये व्लॉग अपलोड करने का टाइम है जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ बैठ करके, मेरे मन में आ गया जब है तो चल यार कर ले फटाफट से, फिर मैं नहाऊँगी और शॉप के लिए निकलूँगी। तो अभी जो है इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, कल मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय बाय, कल मिलते हैं।